हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आदर्शित्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बीकॉम सेम 3 कॉरपोरेट अकाउंट में लिक्विड एड्रेस अकाउंट्स जो है वो यूनिट स्टार्ट किया था, और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस की थी इस यूनिट के बारे में। ओके, लिक्विडेटर किसे कहते हैं, लिक्विडेशन किसे कहते हैं, ओके, फिर लिक्विडेटर्स का जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से बनाया जाता है, ओके, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन से क्रेडिटर्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, फिर लिक्विडेटर्स रिमुनरेशन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में जो आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो को आप स्टार्ट कीजिए, ओके। अब पिछली वीडियो में हमने बताया था कि लिक्विडेटर स्टेटमेंट एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है इस चैप्टर का मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको आपने उस स्टेटमेंट को तैयार नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसको तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको स्टेटमेंट नहीं आता है तब तक आपको इस यूनिट में समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो लिक्विडेटर स्टेटमेंट जो है आपका रिसीप एंड पेमेंट जो भी हमने सिखाया है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट भी आपको याद रखना है कि किस तरह से हमें पेमेंट करना है, उसी क्रम में उसी ऑर्डर में आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, ओके, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए, आज हम आपको डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, किस तरह से लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं सम में आपको, ठीक है, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस सम में देखनी है। और ये जो सम है आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 2009 में, ठीक है, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में 2009 में हाफ अमाउंट से पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिए, ठीक है। चलिए, आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 323 पे सम नंबर 8 आपको दिया गया, ठीक है, माया लिमिटेड। तो इसमें आपको कहा है माया लिमिटेड वेंट इनटू अ वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31st December 2010। द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट वॉज एज अंडर, आपको बैलेंस शीट दी गई है, लियाबिलिटीज एंड एसेट्स। लियाबिलिटीज साइड आपको दिया गया है 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, आपको 6,000 इक्विटी शेयर्स दिए गए और उसकी अमाउंट है 6 लाख रुपीज। 12% डिबेंचर्स 1 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000, लोन सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आपने एक लोन ली है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, कितनी लोन ली है 50,000। सनरी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको दिए गए हैं 1,80,000, प्रोविडेंट फंड आपको दिया गया है 18,000, ठीक है। एसेट साइड आपको दिया गया है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, ये आपको बैलेंस शीट दी गई। अब आपको कहा गया है कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, आपको लिक्विडेटर का स्टेटमेंट बनाना है रिसीप एंड पेमेंट का। अब उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है एसेट्स रियलाइज, आपको एसेट रियलाइजेशन दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग ₹4,20,000, मशीनरी ₹1,10,000, स्टॉक ₹55,000 एंड डेटर्स ₹45,000। क्रेडिटर्स ऑफ द लोन have sold the investments for ₹75,000 and the additional amount was returned to the liquidator. जो आपने लोन ली है, ओके, उसके जो क्रेडिटर्स है उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया है 75,000, और उसका जो एडिशनल सरप्लस है, ठीक है, उसका जो सरप्लस है वो लिक्विडेटर को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया है सन्डरी क्रेडिटर्स इंक्लूड द फॉलोइंग, क्रेडिटर्स में इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है, 5 मंथ सैलरीज,
मंथ सैलरी ऑफ 5,00,000 रुपीज 7,500। ठीक है, इसका टॉपिक हमने प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया में डिस्कस किया था, फिर भी हम अभी थोड़ी देर के बाद इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, उसके बाद आपको कहा गया है इनकम टैक्स एंड लोकल रेट्स ₹35,000, और इन द ब्रैकेट आपको कहा गया इनकम टैक्स इंक्लूडेड ₹5,000 असेस्ड ऑन 31 अगस्त 2009। ठीक है, इनकम टैक्स जो है आपका 35,000 है, बट उसमें भी 5,000 जो है वो आपके 2009 के असेसमेंट के। ठीक है, उसके बाद आपको कहा गया है द डिबेंचर होल्डर वर पेड ऑफ ऑन 31 मार्च 2011। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपको दिया गया है 10,000। द लिक्विडेटर इज इंटिलाइड टू अ रेम्यूनरेशन एट 2% ऑन द अमाउंट ऑफ ऑन एसेट रियलाइज बाय हिम इंक्लूडिंग सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। ओके, हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि अगर आपको शेयर होल्डर के ऊपर या तो फिर जो आपके सैलरी क्रेडिटर्स है, ठीक है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स है, उसके ऊपर अगर आपको रेम्यूनरेशन अगर कैलकुलेट करना करने को कहा है, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो अमाउंट है वो सफिशियंट है भी या नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको कहा गया है इसमें कि आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिसीप्ट, ओके, एंड पेमेंट। बहुत दो साइड होती है उसकी, रिसीप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, सब नंबर 8, लिक्विडेटर स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट। चलिए, अब सबसे पहले लिक्विडेटर स्टेटमेंट में आपको याद रखना है कि सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि रिसीव साइड यानी कि जो भी कंपनी की इनकम है वो लिखी जाती है। ठीक है, तो कंपनी की जो भी इनकम है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आपको, सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस, फिर एसेट रियलाइजेशन, फिर आता है सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर आता है कॉल, अगर आपने मंगवाए हो तो कॉल इन एरियर्स हो अगर सब में, तो वो भी लिखे जाते हैं। तो जितनी भी कंपनी की इनकम है, जो भी रिसीप्ट होती है, वो सारी रिसीप्ट साइड लिखी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, क्योंकि लिक्विडेटर का काम ही यही है कि जो भी रिसीप्ट हुई है उसको, उसमें से उसको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिसीप्ट साइड जो भी कंपनी की रिसीप्ट है वो सारी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम, अगर आपको सब में कैश एंड बैंक बैलेंस दी गई हो तो वो लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दी गई है इन द बैलेंस शीट कैश एंड बैंक बैलेंस दी गई है आपको 12,100। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कैश एंड बैंक बैलेंस लिखेंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दी गई है 12,100। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एसेट रियलाइज। एसेट रियलाइज आपको दिया गया होगा सब में। ठीक है, कि किस तरह से एसेट रियलाइज हुई है, ठीक है, कितनी अमाउंट आपको मिली है, वो सारी आपको सब में दी गई होगी। वही आपको जिस तरह से आपने सोल्ड की है वही अमाउंट लिखनी है। ठीक है,
तो आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है एसेट रियलाइज, ठीक है, एसेट रियलाइज आपको दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग 4,20,000, मशीनरी 1,10,000, स्टॉक 55,000 एंड डेटर्स है 45,000, ठीक है, ये आपको एसेट रियलाइज दी गई है। तो सेम आपको उसी तरह से यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी रियलाइजेशन है 4,20,000, उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी है 1,10,000, स्टॉक 55,000, डेटर्स 45,000, ओके। और एक आपको दिया गया है यहाँ पे सरप्लस। तो देखिए सरप्लस आपको किस तरह से दिया गया है, क्रेडिटर्स ऑफ द लोन हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹75,000। अब लोन के जो क्रेडिटर्स थे जिनको हमने इन्वेस्टमेंट दिया था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट 75,000 में सोल्ड कर दिया है एंड द एडिशनल अमाउंट वॉज रिटर्न टू द लिक्विडेटर। और उन्होंने जो भी सरप्लस इसमें मिला वो उसने रिटर्न कर दिया है किसको, लिक्विडेटर को। तो देखिए हमने लोन कितने की ली थी, देखिए यहाँ पे लोन सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हमने लोन ली थी 50,000 की, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में सोल्ड कितने में हुए, 75,000। तो इन्होंने क्या किया है लोन के क्रेडिटर्स ने, अपने जो 75,000 जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने सोल्ड किए हैं उसमें से 50,000 उन्होंने काट कर बाकी का जो सरप्लस है उस उन्होंने क्या किया, लिक्विडेटर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो बाकी के जो भी 25,000 है वो लिक्विडेटर को उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो वो भी एसेट रियलाइजेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि आपको पीछे कहा गया है कि आपको लिक्विडेटर को जो रेम्यूनरेशन देना है वो 2% देना है और एसेट रियलाइजेशन ऊपर, और एसेट रियलाइजेशन में आपको इंक्लूड करना है सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स, उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे सरप्लस फ्रॉम क्रेडिटर्स, ₹75,000 - ₹50,000, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 जो है इसका सरप्लस लिखा जाए, ठीक है। तो टोटल एसेट रियलाइजेशन देखी जाए तो कितनी होगी, 4,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 55,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000, 6,55,000 हमारी होगी एसेट रियलाइजेशन, ओके। और यहाँ पे देखिए आपको कोई भी कॉल इन एरर्स नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। जो भी हमारी रिसीप्ट थी, जो भी इनकम थी, वो सारी हमने लिख ली है, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एसेट रियलाइजेशन, ओके। रिसीप्ट साइड का काम आपका पूरा होगा। अब बात करते हैं पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड हमने आपको बताया था कि पेमेंट जो है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो है आपको याद रखना है और उसी ऑर्डर में आपको पेमेंट करना है। अगर आपने थोड़ी सी भी अगर इसमें मिस्टेक कर दी है तो आपका जो सम है, कैलकुलेशन है, वो सारी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको याद रखना है, उसी ऑर्डर ऑफ पेमेंट के अनुसार आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो पेमेंट साइड हमने सबसे पहले आपको लिखाया है कि सबसे पहले आपको पे करना पड़ेगा लिक्विडेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन एक्सपेंस आपको दिया गया होगा, तो सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना दिया गया है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000, ठीक है। तो ₹10,000 जो भी आपके लिक्विडेटर्स के एक्सपेंसेस है वो पेमेंट किए जाएंगे, फर्स्ट लिक्विडेशन एक्सपेंस। उसके बाद हम पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ओके। अब रेम्यूनरेशन जो है आपको फाइंड आउट करना है किस तरह से, तो देखिए आपको कहा गया है द लिक्विडेटर इज इंटिलाइड टू अ रेम्यूनरेशन एट 2% ऑन द अमाउंट ऑफ ऑन एसेट्स रियलाइज बाय हिम, ठीक है। उसने जो भी एसेट रियलाइजेशन किया है उसके ऊपर 2% देना है, इंक्लूडिंग सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स। सरप्लस जो मिला है हमें सिक्योर क्रेडिटर्स का, उसको इंक्लूड करके हमें
कितना उसको रेम्यूनरेशन देना है 2%, एंड दूसरी तरह से उसको किस तरह से देना है, एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को हमने जितनी भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की है उसके ऊपर उसको देना है 2%। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 2% ऑन अमाउंट रियलाइजेशन, एसेट रियलाइजेशन के ऊपर उसको देना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एसेट रियलाइज। ठीक है, तो एसेट रियलाइजेशन हमारा कितना था, 6,55,000 का कितना देना है, 2%। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2%, 13,100। और आपको कहा गया है ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी आपको पिछली वीडियो में कि अगर शेयर होल्डर पर कहा गया हो या तो फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को के ऊपर कहा गया हो तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास अमाउंट जो है सुफिशियंट है भी या नहीं। ठीक है, तो अभी तो हमने शेयर होल्डर को कोई भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जब भी करेंगे तब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बाद हम पेमेंट करेंगे किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। देखिए इसमें कई आपकी बुक में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स से पहले डिबेंचर को पेमेंट किया गया है, बट इस बुक में आपको जिस तरह से दिया गया होता है उसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करेंगे, उसके बाद डिबेंचर्स को। ठीक है, सारे जो भी हम सम करेंगे इसी तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन से क्रेडिटर्स को इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। क्रेडिटर्स में इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है कि आपको फर्स्ट दिया गया 5 मंथ सैलरी ऑफ 5,00,000 रुपीज 7,500। अब देखिए क्लार्क कितने हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें देखना है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हमारी जो कंडीशन थी वो कौन सी थी, सैलरी में 4 मंथ की सैलरी लेनी है। ओके, और वो सैलरी जो है 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो 7,500 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 5 मंथ की सैलरी। ठीक है, पर यहाँ पे हमें कितनी लिखनी है, सिर्फ 4 मंथ की सैलरी ही लिखनी है। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, तो देखिए 5 मंथ की सैलरी है आपको दी गई है 7,500। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, तो 1 मंथ की आपकी सैलरी होगी 1,500। ठीक है, और हमें लिखनी कितनी है, 4 मंथ की सैलरी, तो कितनी होगी, 6,000 रुपीज ही हमारे क्या होंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माने जाएंगे। और 1,500 रुपये जो है वो क्या होंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में सैलरी कितनी लिखेंगे, ओनली 6,000, क्योंकि हमें जो 4 मंथ की सैलरी ही हमारी प्रेफरेंशियल मानी जाती है, बाकी की सारी जो भी है वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स में लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी, सैलरी ऑफ क्लार्क 6,000। ओके, चलिए उसके बाद आपको कहा गया है इनकम टैक्स एंड लोकल रेट्स ₹35,000। आपको इनकम टैक्स दिया गया है 35,000। हमने सबसे पहले बात की थी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कि गवर्नमेंट टैक्सेस जो होते हैं वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में माने जाते हैं, बट उसमें एक कंडीशन है, पिछले साल की यानी कि आपके जो लास्ट 12 मंथ्स है, ठीक है, उसके ही टैक्सेस जो है वो प्रेफरेंशियल माने जाते हैं, और उसकी अगली साल वाले जो हो, जो भी हो पिछले साल के उसकी अगली साल वाले जो भी हो टैक्सेस, वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि लास्ट 12 मंथ्स की जो भी टैक्सेस है वही आपकी प्रेफरेंशियल मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पे 35,000 आपको दिया गया है, बट कहा गया है इनकम टैक्स इंक्लूडिंग ₹5,000 एसेज ऑन 31 अगस्त 2009। ठीक है, यानी कि 35,000 में 5,000 जो है वो पिछले साल के नहीं बट उसकी अगली साल वाले हैं। ठीक है, थीके? तो यहाँ पे आपके प्रेफरेंशियल कितने माने जाएंगे, ओनली 30,000। ठीक है, 30,000 जो है वही आपका प्रेफरेंशियल माना जाएगा, क्योंकि 5,000 जो है वो पिछले साल वाले नहीं है, पिछले साल की अगले साल वाला है 2009 के। हमारा पिछले साल वाला जो ईयर है वो क्या है, 2010। ठीक है, 2010 के जो भी टैक्सेस है वही हमारे क्या होंगे, प्रेफरेंशियल माने जाएंगे। ओके, तो गवर्नमेंट टैक्सेस का आपको रूल्स याद रखना है कि पिछले साल यानी कि आपके जो
पिछले लास्ट 12 मंथ्स के टैक्सेस है वही प्रेफरेंशियल है, बाकी के जो भी टैक्सेस दिए गए होंगे वो आपके अनसिक्योर्ड है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको आपको क्रेडिटर्स कहा गया है। ठीक है, सन्डरी क्रेडिटर्स में इंक्लूड किया गया है प्रेफरेंशियल में। और आपको एक और भी चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में आपको कौन से क्रेडिटर्स दिए गए। ठीक है, तो बैलेंस शीट में भी आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रेफरेंशियल है भी या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा कि प्रोविडेंट फंड वो भी हमारा क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, फिर है ग्रेजुएटी, वो सारे जो है इंक्लूड होंगे किसमें, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। तो प्रोविडेंट फंड भी जो है हमारा क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रोविडेंट फंड कितना है, 18,000। ठीक है, ये भी माना जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिखा जाए तो 6,000, 30,000 प्लस 18,000, 54,000। ओके, चलिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद हम पेमेंट करेंगे किसको, डिबेंचर्स को। ठीक है, इसका जो नंबर है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके बाद किसको पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको डिबेंचर्स दिए गए हैं कितने हैं, 12% है डिबेंचर्स 1 लाख। ओके, और उसका आपको दिया गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, 12,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिबेंचर्स की अमाउंट है 1 लाख रुपीज, प्लस उसका जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी लिखा जाएगा 12,000। और उसका एक और भी इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, हमने जिस डेट पे डिबेंचर रिटर्न किए हैं उस तक का भी इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने डिबेंचर है कब रिटर्न किए हैं, तो देखिए द डिबेंचर होल्डर वर पेड ऑफ ऑन 31st मार्च 2011। हमने डिबेंचर होल्डर को पे किया है कब, 31st दिसंबर 2011। ओके, और यहाँ पे देखिए माया लिमिटेड वेंट टू इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन कब लिक्विडेशन हुआ है, 31st दिसंबर 2010। ठीक है, हमने रिटर्न कब किया है, 31st मार्च 2011। ठीक है, यानी कि 3 मंथ्स के बाद हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया है। तो बाकी के जो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ेगा कितना, तो 1 लाख आपके डिबेंचर है, 12% है, तो 12% के हिसाब से 3 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 3,000। तो टोटल आपका इंटरेस्ट होगा 1,15,000। ये आपको याद रखना है कि हमने डिबेंचर होल्डर को कब पेमेंट किया है। ठीक है, हमारा जो बैलेंस शीट वाला ईयर है वो आपका फिनिश होता है 31st दिसंबर 2010, पर हमने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कब किया है, 31st मार्च 2011, यानी कि 3 मंथ्स का आपको और भी इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डिबेंचर्स के बाद हम पेमेंट करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितने हैं, तो देखिए आपके क्रेडिटर्स आपको कितने दिए गए थे, देखिए सन्डरी क्रेडिटर्स जो है आपको दिए गए 1,80,000। ठीक है, अब 1,80,000 में से आपको दिया गया था, यहाँ पे देखिए सन्डरी क्रेडिटर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, सन्डरी क्रेडिटर्स में इन सारी चीजों को भी इंक्लूड किया गया था, पर उसमें से हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है वो निकाल लिए इसमें से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सन्डरी क्रेडिटर्स में अगर आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को माइनस कर दे तो बाकी जो भी आपके पास बचे हैं क्रेडिटर्स वो क्या माने जाएंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर्स। तो देखिए सन्डरी क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं, 1,80,000। ठीक है, और उसमें से हमने प्रेफरेंशियल कितने निकाले थे, तो देखिए यहाँ पे हमने कितने निकाले थे, सैलरी ऑफ क्लर्क कितनी, 6,000, और इन्वेस्टमेंट कितने इनकम टैक्स कितना निकाला था, 30,000। ठीक है, टोटल हमने 36,000 इसमें से निकाले थे। प्रोविडेंट फंड जो है वो तो आपको अलग से दिया गया था बैलेंस शीट में, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो 1,80,000 में से 36,000 जो है माइनस करेंगे तो बाकी सारे जो भी आपके क्रेडिटर्स बचे हैं 1,44,000, वो जो है क्या है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स माने गए। ठीक है, तो सन्डरी क्रेडिटर्स इंक्लूड द फॉलोइंग अगर आपको इस तरह से कहा गया है तो उसमें से आपको क्या करना है, प्रेफरेंशियल जितने भी आपने लिए हैं वो आपको टोटल क्रेडिटर्स में से माइनस कर लेना है। ठीक है, तो टोटल क्रेडिटर्स माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स
जो बाकी बचते हैं वो सारे माने जाएंगे अनसिक्योर कैरेक्टर्स। ओके, उसके बाद हम पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर। बट इसमें आपको प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया गया है तो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद आता है इक्विटी शेयर। बाकी जो भी हम अमाउंट बचती है हमारे पास वो हम पेमेंट करेंगे कि किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितनी अमाउंट बचती है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए रिसीव कितनी हुई है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस थी हमारे पास 12,100। ठीक है, माइनस सॉरी प्लस 6,55,000। टोटल हमारी इनकम है 6,66,100। ठीक है, उसमें से हमने पेमेंट किया है कितना वो सारे हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास कितनी अमाउंट बचती है। तो फर्स्ट माइनस होगा -10,000, -13,100, माइनस टोटल प्रेफरेंशियल 54,000, -1,55,000, -1,44,000। हमारे पास अमाउंट बचती है 3,31,000। ठीक है, 3,31,000 अभी भी हमारे पास कैश बची है। अब देखिए हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट करना है, 6 लाख। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको इक्विटी शेयर दिए गए हैं। इक्विटी शेयर को हमें पेमेंट कितना करना है, 6 लाख। पर हमारे पास अमाउंट कितनी बची है, 3,31,000। इतनी ही कैश हमारे पास बची है, यानी कि कैश जो है हमारी सुफिशियंट नहीं है। ठीक है, हमें पेमेंट करना है 6 लाख, बट हमारे पास जो कैश बची है 3,31,000। ठीक है, तो जो भी आपका रेम्यूनरेशन हमें कैलकुलेशन करना है वो किस तरह से होगा, अगर आपके पास अमाउंट सफिशियंट ना हो तो जो आपको लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन पेमेंट करना था शेयर होल्डर के ऊपर, ठीक है, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि अगर आपके पास अमाउंट सफिशियंट नहीं है तो उसका फॉर्मूला लगेगा कि आपके पास जो भी अमाउंट बची है मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हमारे पास अमाउंट जो बची है 3,31,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 102, क्योंकि 100 प्लस रेट हमारा 2 है तो 102 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेम्यूनरेशन जो है वो कितना निकल के आता है, तो 6,409 ये हमारा रेम्यूनरेशन निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6,409 टोटल इसका रेम्यूनरेशन करें तो 30,100 प्लस 6,490 टोटल रेम्यूनरेशन है 19,590। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट होगा, तो देखिए हमारे पास 3,31,000 तो थी कैश, उसमें से हमें 6,490 तो उसको दे दिए, तो जितनी कैश हमारे पास बची है कितनी बची है, 3,24,510। इतने रुपीस जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि लास्ट में तो जितनी भी अमाउंट हमारे पास बचती है वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो हमारे पास इतनी अमाउंट बचती है, ठीक है, रिसीव से साइड से पेमेंट साइड अगर माइनस करें तो इतनी अमाउंट बचे कि वो सारी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस सबने हमने काफ़ी सारे आपको टॉपिक डिस्कस किए कि लिक्विडेटर का स्टेटमेंट कैसे बनता है, इस पे सबसे पहले क्या लिखा जाता है, रिसीव साइड कौन सी आइटम से की जाती है, ठीक है, पेमेंट किस तरह से करना है, ओके, प्रेफरेंशियल कैरेक्टर्स में किन किन प्रेफरेंशियल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, काफ़ी सारे हमने टॉपिक जो है डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो भी आपकी इंपॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि अब जो आपके सम स्टार्ट होने वाले हैं यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है। ठीक है, और इस सब में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।